दोस्तों नमस्कार, ये मेरा सीमेंस का डीपी ट्रांसमीटर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम इसमें ये यहाँ पे कनेक्शन किए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर बना भी है सिंबल। हम इसमें 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं और आपका ये हमारा डीपी ट्रांसमीटर है। इसमें कैसे जानेंगे कौन सा हाई लाइन है कौन सा लो लाइन है, आप देख सकते हैं ये इस पर प्लस बना हुआ है, ये प्लस बना, ये माइनस। जो प्लस बना है वो हमारा हाई लाइन इंडिकेट करता है, जो माइनस बना वो हमारा लो इंडिकेट करता है। अभी आपको डिस्प्ले दिखा रहे हैं, डिस्प्ले भी हमारा आ रहा है, देख सकते हैं डिस्प्ले भी हमारा भी आ रहा है 4.5 मिलियम, क्योंकि हमने जो सेट किया है डिस्प्ले यूनिट को हमने मिलियम से कर दिया है। इस पर हमारा तीन की होते हैं, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और ये तीनों की का ये जो इसके सामने है इसको हम बोलते हैं मोड की, एक अप की है, ये देखो डाउन की, हमारा एरो बना है और हम इन्हीं की से स्पाइन और जीरो कैल भी करते हैं। तो दोस्तों हम इस ट्रांसमीटर में कैसे पैरामीटर में जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा मोड की है, इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो हम पैरामीटर इंटर कर जाएंगे। अगर हमको वैक होना है तो इसी मोड की को 7 से 8 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो हम बाहर की तरफ आ जाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी हमारा देखिए डिस्प्ले पे कोई भी नहीं दिख रहा है। अभी जैसे हम मोड की प्रेस करेंगे, ये देखिए हमने ये हम मोड की पे ऐसे प्रेस किए, हमारा ये खुल गया 2 नंबर पैरामीटर। आप देख सकते हैं नीचे हमारा लिखा है 2, ये 2 नंबर पैरामीटर है हमारा। ये जो लो रेंज हम सेट करते हैं, लो मिलियम जो 4 से 20 मिलियम होता है, हम ये 2 नंबर हमारा है लो के लिए। फिर जैसे 3 दबाएंगे, देखिए दोस्तों 3 किया तो ये हमारा हाई के लिए है, हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम दबाएंगे दोस्तों, ये देखिए हम 3 पे आ गए, 3 हमारा किसके लिए, हाई के लिए है। तो ये 4 नंबर पे आ गए, 4 नंबर हमारा है 0.1, ये हमारा किस लिए होता है, ये हमारा होता है डैम्पिंग, क्या बोलते हैं, आउटपुट रिस्पांस। हमको अपने ट्रांसमीटर का जो आउटपुट रिस्पांस चाहिए वो कितने सेकंड में चाहिए, कितने सेकंड चाहिए, ये हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो दोस्तों ये हमारा दो जो की है अप और डाउन, इनके इनके माध्यम से हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा आउटपुट का रिस्पांस दिया है वो 0.1 सेकंड दिया है, जो यस लिखा है वो सेकंड का इंडिकेट करता है। हम अभी देखो अप कर रहे हैं, हमारे ये अप कर रहे हैं, अभी देखिए दोस्तों ये अप किया, हमारा ये बढ़ रहा है, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, हम जितना चाहें उतना रख सकते हैं। ये जो 4 नंबर पैरामीटर है वो हमारा बताता है कि हमारा जो आउटपुट रिस्पांस है वो कितने सेकंड में रिस्पांस करेगा। तो हम डाल दिए हमारा 0.4 सेकंड में हमारा रिस्पांस करेगा। अगर इसको सेव करना है तो हमारा ये मोड की है, ये देख सकते हैं, इसको एक बार प्रेस करेंगे मोड की को तो हमारा ये सेव हो जाएगा। मैंने ये प्रेस कर दिया, हमारा सेव हो गया। अभी हम आ गए 5 नंबर में, 5 नंबर हमारा है ये लो रेंज वैल्यू है, हमको जो डालना है लो रेंज यानी LRV लो रेंज वैल्यू। अभी हमने इसमें लो में सेट किया है 1, 2, 3, अगर आपको उसमें कम ज़्यादा करना है या जीरो करना है तो हमारा अप और डाउन क्यू क्या यूज़ करेंगे। ये देखिए ये हमारा डाउन क्यू है और हम देखते हैं अभी हम इसको घटाते हैं, ये देखिए हमारा घट रहा है, अभी हम इसको 0 पे सेट करते हैं लो रेंज वैल्यू को। तो दोस्तों अभी हम घटा रहे हैं, ये हमारा 5 नंबर है, अभी हमने 0 सेट कर दिया। इसको सेव करने के लिए हम मोड की दबाएंगे, ये देखिए मोड की है, आप देख सकते हैं ये प्रेस किए हमारा 0 सेव हो गया। अभी हम 6 नंबर में आ गए, 6 नंबर क्या है हमारा हाई रेंज वैल्यू, मतलब अपर रेंज वैल्यू। इसको हमको अगर बढ़ाना है तो हम अप की यूज़ करेंगे, अब देखें ये अप हमारा अप की है, ये दोस्तों अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूँ, हमारा ये बढ़ रहा है। मान लीजिए हम ये हम 1900 रख दिए, या अगर हमको रखना है 2000 तो 2000 भी रख सकते हैं। ये हमारा अपर रेंज वैल्यू है, हमारा ये अपर रेंज वैल्यू, हम इसको सेव करना चाहेंगे तो मोड की को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा मोड की है, ये हमने प्रेस कर दिया, हमारा सेव हो गया। अभी हमारा आया सेव हो गया, अब हम आ गए हमारा 8 नंबर पैरामीटर, 8 नंबर पैरामीटर हमारा इंडिकेट करता है ये करंट। करंट मतलब क्या, जो हम लूप टेस्ट करते हैं, अगर हमको लूप टेस्ट करना है 4 या 20 जो भी लूप टेस्ट करना है तो हम इससे लूप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी दिखाते हैं हम मोड की दबाएंगे तो दिखाएगा, ये देखिए हमारा आया 22, सॉरी अभी 9 नंबर है हमारा, ये क्या है,
ये हमारा मैक्सिमम मिली एम्पीयर है, मतलब हम अगर हमारा ट्रांसमीटर किसी कंडीशन में या लीकेज होता है या एयर लीकेज होता है तो ये फेल से वैल्यू है, तो हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू लेके ट्रांसमीटर डीसी को शो करता रहेगा, हमारा एचएमआई में हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो हमारा 20 मिली में मैक्सिमम रेंज रखे हैं वो आएगा, इसको हम बोलते हैं 9 नंबर पैरामीटर को फेल सेफ वैल्यू। अगर किसी कंडीशन हमारा ट्रांसमीटर फेल करता है तो वो मैक्सिमम रेंज पर हमारा वैल्यू शो करेगा। उसके बाद हमारा 10 नंबर हमारा है ये जीरो रूट बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि आप चेंज कर सकते हैं, इसमें आता है L0, L05, L0 आ गया, L05 ये हमारा लेवल इंडिकेट करता है कि हम कितने लेवल तक सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ भी सेट कर सकते हैं, मैं अभी जीरो सेट कर रखा हूँ। फिर आगे प्रेस करेंगे, हमारा ये मोड की है, हम जो भी पैरामीटर चेंज करना है तो हम मोड की का इस्तेमाल करते हैं। अभी 10 से हम आएंगे 11 नंबर में, ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमको अपने ट्रांसमीटर को लीनियर रखना है या स्क्वायर रखना है, ये अभी इंडिकेट करता है हमारा स्क्वायर को, अगर लीनियर रखना है तो अप डाउन क्यू यूज़ करके हम चेंज करेंगे। ये देखिए अभी हमारा स्क्वायर ऑफ आ गया, ये हमारा स्क्वायर आ गया, ये हमारा लीनियर, अगर हमको लीनियर रखना है तो हम इसको में करेंगे और मोड की को प्रेस करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद पी हमारा क्या है, यूनिट, हमको आपको जो यूनिट रखना है, अगर मिली एम्पीयर पर रखना तो मिली एम्पीयर पर, या 420 में जो भी सेट करना है, या हमको बार पर रखना है, या MMH2 पर रखना है, MMWC पर रखना है, जो भी आपको यूनिट रखना है यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा डिस्प्ले यूनिट मीडियम पे था इसलिए ये शो कर रहा है मिलियम, अगर इसको चेंज करना है तो अप डाउन की का यूज़ करेंगे। आप देखिए ये परसेंटेज आ गया, MMH2 आ गया, जिसमें रखना है मिलियम सी, इसमें तीन यूनिट हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम अगर MMH2 रखना है तो इसको प्रेस कर देंगे, हमारा ये हमने प्रेस कर दिया, हमारा सेव हो गया। अभी 14 नंबर हमारा क्या है, ये हमारा अगर हमको जो भी डिस्प्ले यूनिट रखना है डिस्प्ले की, हाँ हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जो भी चेंज करना है, ये इंच आ गया, MNH2 आ गया, मिली बार आ गया, जिसमें रखना है बार आ गया, हम जो भी चाहें वो रेंज चेंज कर सकते हैं, और फिर मोड की दबाएंगे सेव हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।